यह नदी जो है पहाड़ी नदी नहीं है, पहाड़ से नहीं आई है। यह सांसा मूसा चौरा में एक जंगल है, वहीं से नीचे भूमि। नमस्कार, मैं शंभु प्रसाद भाई आप सबों के बीच एक बार पुनः एक ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज यह हम लोग जिस नदी के तट पे खड़ा है वह नदी बाण गंगा उर्फ दहा नदी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। दहा नदी जिसके बारे में यह मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी के आदेश पर उनके छोटे भाई लखन लाल जी के शक्तिशाली बाणों के प्रहार से यह दहा नदी की उत्पत्ति हुई थी। आज हम उसी दहा नदी के तट पे खड़े हैं और दहा नदी के पावन पवित्र धारा का दर्शन आप सबों को करा रहे हैं। आप दूर तक जहां तक देखेंगे नदी के दोनों तट पर आकर्षक और सुंदर सुंदर हरी भरी झाड़ियाँ दिखेंगी आपको, बड़े बड़े वृक्ष देखेंगे जिनकी लताएँ नदी की धारा के साथ बह रही हैं। इतना अद्भुत और आकर्षक दृश्य है बाण गंगा उर्फ दहा नदी का। दहा नदी के एक तट पे देखेंगे तो श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे आपको। ऐसी मान्यता है कि इस नदी के अविरल और निर्मल धारा में जो भी श्रद्धालु स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर और विभिन्न अवसरों पर इस नदी के विभिन्न तटों पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भक्तगण स्नान करते हैं और अपने शरीर के समस्त पापों को रोगों को रोग मुक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात जब जनकपुर से लौट रही थी और बारात जैसे ही गोपालगंज जिले के सांसा मूसा चौरा के समीप पहुंची कि बारातियों को प्यास लग गई। जैसे ही बाराती प्यास से व्याकुल हुए, सब ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पानी की मांग की, कहा कि प्रभु बहुत जोरों की प्यास लगी है, जल की व्यवस्था करवाया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुचरों से कहा कि कहीं से आप सभी जल की व्यवस्था करें। अनुचर चारों तरफ गए, जल की खोज किए, कहीं एक बूंद जल का जब पता नहीं चला तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई शेषावतार लखन लाल जी को यह आदेश दिया कि आप अपने शक्तिशाली बाणों के प्रहार से धरती से जल को उत्पन्न करें। लखन लाल जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेशों का अक्षरशः पालन किया और अपने शक्तिशाली बाणों के प्रहार से धरती से गंगा मैया को उत्पन्न कर दिया, जिनके अविरल धार से समस्त बरातियों ने प्यास बुझाई और अपने आत्मा को तृप्त किए। तत्पश्चात यह कहा जाता है कि गंगा मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख खड़ा हो गई और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका कार्य तो सिद्ध कर दिया, अब मुझे कोई स्थान आप अवश्य दिलाएं। जिस पर भगवान श्री राम ने एक सियार पंडित को बुलाया और कहा कि हे सियार पंडित, आप गंगा मैया को ले जा करके सारण जिले के दक्षिण दियारा में स्थित पवित्र सरजुग मैया जो कि अयोध्या धाम से आती हैं उनमें इन्हें मिला दीजिए। ठीक ऐसा ही हुआ, आगे आगे सियार दौड़ने लगा और पीछे से गंगा मैया की तेज वेग वाली धारा निकल पड़ी। जिधर जिधर सियार जाता था उसके पीछे पीछे गंगा मैया की अविरल धारा निकल रही थी, जिसे देखकर आसपास के ग्रामीण डरने लगे और सियार को मारते थे, दौड़ाते थे। इन्हीं कारणों से यह नदी आड़ी तिरछी हो गई। जिधर जिधर सियार भागता था ग्रामीणों के डर से, उधर उधर यह नदी भागते चली गई और सियार ले जा करके इस नदी को गंगा मैया के अविरल धारा को सरजुग नदी के पावन पवित्र तट में संगम करा दिया, अर्थात उसमें मिला दिया। इस नदी को लेकर के अन्य कई मान्यताएं लोगों के बीच हैं, अनेकों प्रकार की दंत कथाएं भी लोग कहते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता इस नदी को लेकर के यही है कि यह बाण गंगा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बरात वापसी के समय ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। इस नदी के विभिन्न तटों पर सुंदर सुंदर और आकर्षक मंदिर बने हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं 24 घंटा सीताराम नाम जप का संकीर्तन होते रहता है। हम जिस स्थान पर अभी खड़े हैं यह स्थान गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड के अंतर्गत आता है, इटवा धाम। इटवा धाम का यह सिद्ध स्थल है, यहां उत्तर बिहार के अनेक जिलों से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, परम तपस्वी यहाँ तपस्या करते हैं। यह मंदिर काफ़ी सिद्ध है और यहाँ प्रत्येक रविवार के दिन विशाल भजन और संकीर्तन का आयोजन भी होता है। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन
आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ बाण गंगा उर्फ दहा नदी में स्नान भी करते हैं। यही वह दहा नदी है जिस दहा नदी की चर्चा वर्णन श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने किया है। इसके अलावा अनेकों प्रकार की कथाएँ बाण गंगा उर्फ दहा नदी को लेकर के कही जाती है। ऐसी मान्यता है, लोगों का यह मानना है, लोगों का यह मत है कि दहा नदी के इस अविरल धारा में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके चरम रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। बस जरूरत है श्रद्धा और भक्ति की। इसी प्रकार से अनेक मान्यताएं बाण गंगा उर्फ दहा नदी को लेकर के आम जनमानस में हिलोरे मारती हैं, लेकिन सबसे आवश्यक यही है कि इस बाण गंगा की धारा सिमटते जा रही है। इसका प्रमुख कारण है प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही। दहा नदी के बारे में लोगों का मानना है कि दहा नदी की धार पहले बहुत चौड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ नदी भी सिमटते गई, लोग इसे भरते गए, इसके किनारे को खेतों में मिलाते गए और आज यह नदी नाले का रूप धारण कर चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में और नदी के किनारे जो गांव बसे हैं उन गांवों के कुछ लोगों के द्वारा नदी की ज़मीन को अतिक्रमण भी कर लिया गया है। नदी की ज़मीन को पकड़ करके कहीं घर बना लिए गए हैं तो कहीं उस पर खेती होने लगी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार केंद्र सरकार की ध्यान इसकी ओर नहीं जा रही है। आज केंद्र की मोदी सरकार भले ही गंगा बचाओ योजना के तहत देश के तमाम नदियों को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए लाखों अरबों रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च कर रही है, लेकिन उसका कोई असर गोपालगंज और सारण के इस बाण गंगा उर्फ दहा नदी पर नहीं पड़ रहा है। इस नदी के साफ सफाई के लिए न तो अभी तक केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना लाई गई और न ही एक पैसे का कोई राशि आवंटित किया जा सका है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ टहलने के लिए मेरे साथ आए थे, इनसे मैं बात करता हूँ। दहा नदी की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? दहा नदी सफाई नहीं हो रहा है, इसके हम चाह रहे हैं कि दहा नदी सर सफाई हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग वैसे हैं जो दहा नदी के इस आज स्थिति को लेकर के काफ़ी मायूस हैं। लोगों का कहना है कि यह नदी पौराणिक मान्यताओं से ओतप्रोत है, ऐतिहासिक नदी है, इसकी रख रखाव साफ सफाई समय पर होनी चाहिए। अगर समय से साफ सफाई नहीं होगी तो यह नदी एक दिन विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाएगी। सबसे आवश्यक है नदी की साफ सफाई और जो इसके ज़मीन को अतिक्रमणित किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सरकार को सबसे पहले इस विषय पर ध्यान देना होगा कि नदी के ज़मीन को कैसे अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। आइए, यह दहा नदी है, दहा नदी के बारे में मैं आपको बता रहा था। एक बार मैं और अपने सम्मानित कैमरामैन से कहूँगा कि आप दूर तक नदी के दृश्य को दिखाएँ। अविरल बहती, कलकल बहती दहा नदी उर्फ बाण गंगा की यह धारा और नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्षों के जो लता है पता है वह नदी में लौट रही है और जल के धारा के साथ बह रही है। कितना मनोरम दृश्य है। नदी के तट पे हम लोग जिस स्थल पे खड़े हैं वहाँ बगल में बहुत सुंदर आकर्षक मंदिर है जहाँ सीताराम नाम का संकीर्तन चल रहा है, जिसके कर्णप्रिय धुन आप सबों के कानों तक अवश्य जा रहे होंगे और आप भी मंत्रमुग्ध हो जा रहे होंगे सीताराम नाम के इस कर्णप्रिय धुन को सुन करके। बड़ा मनोरम दृश्य है। मैं आप सबों से भी कहूँगा कि आप भी जब भी उत्तर बिहार में कभी आएँ तो दहा नदी में एक बार गोते अवश्य लगाएं, दहा नदी में स्नान अवश्य करें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस अलौकिक कृत्य को एक बार देखना न भूलें। दहा नदी जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, आप जब भी इधर आएँ तो एक बार दहा नदी को याद अवश्य करें, दहा नदी के जल में स्नान अवश्य करें। यही दहा नदी है, आप सभी एक बार और देखिए। दहा नदी की महिमा मैं आपको बता रहा था। आइए, मेरे साथ है एक सामाजिक कार्यकर्ता अमित कुमार सिंह जी मौजूद हैं जो यहीं के निवासी हैं। इनसे बात करते हैं कि दहा नदी की आज जो है दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है, क्या कारण है कि दहा नदी का जल गंदा होते जा रहा है, दहा नदी की साफ सफाई समय से नहीं हो पा रही है और नदी का घाट जो है पाट जो है वह सिमटते जा रहा है। नदी कैसा कहा जाता है कि नदी पहले बहुत चौड़ी थी और धीरे धीरे नदी सिमटते जा रही है, क्या कारण है अमित जी आप बताएं। देखिए, सबसे पहले यहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मुखिया, वार्ड जो भी है, प्रमुख है, विधायक है, सांसद है, इन सब के लापरवाही के चलते सरकार 1% भी काम इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते दिक्कत हो रहा है। और भी है कि मान लीजिए इसमें नाला का पानी आ रहा है, सब कुछ चारों तरफ से लोग दबिए रहा है, अब तो एकदम नाला के जैसा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है बाबा आपका?
श्री भगवान दास, श्री श्री 108 भगवान दास। श्री भगवान दास जी महाराज हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो गई है। आइए इनसे हम जानना चाहेंगे कि दाहा नदी की क्या महिमा है और दाहा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बाबा, इस नदी के बारे में क्या बताएंगे आप? यह नदी जो है सो अयोध्या से जब रात लौटी थी तो सासा मूसा चौरा में जब बात पहुंची तो राजा दशरथ जी ने कहे कि लक्ष्मण मुझे पानी चाहिए, तो उस चौर में पानी लक्ष्मण जी कहाँ से लावे, बाण मारे तो वही बाण मारने से जल उत्पत्ति हुई और वही जल दशरथ जी पिए। उस समय से इधर इस नदी का नाम बाण गंगा है ना। आ इस नदी में स्नान करने से हर पाप नष्ट हो जाता है, बड़ा से बड़ा पाप नष्ट होता है और आदमी को सुख चैन भी मिलता है। यह नदी का बहुत इसका नाम है बाण गंगा। चलिए, तो ये थे परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम सभी सुन रहे थे बाण गंगा उर्फ दाहा नदी के इस महिमा को। इनका भी मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात जब लौट रही थी तो प्यास की बात महाराज जी भी कह रहे हैं कि प्यास लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि बारातियों को प्यास लगी थी, कुछ का कहना है कि दशरथ जी को प्यास लगी थी। प्यास की बात तो है, प्यास को लेकर कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लखनलाल जी को यह आदेश दिया था कि हे लखन, तुम अपने शक्तिशाली बाणों के प्रहार से गंगा को उत्पन्न करो और बारातियों अर्थात दशरथ जी महाराज के जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे उनके प्यास को बुझाओ। इन्हीं कारणों से इस गंगा की उत्पत्ति हुई थी। महाराज जी का भी कहना है कि इस नदी के निर्मल जल में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी बाण गंगा। और यह नदी जो है पहाड़ी नदी नहीं है, पहाड़ से नहीं आई है। यह सासा मूसा चौरा में एक जंगल है, वहीं से नीचे भूमि से ही उत्पत्ति हुई है इसको। ये पहाड़ से नदी नहीं है, कोई चावर नाला नदी नाला नहीं है। ये बारहों मास जेठ हो या बैसाख हो ये हमेशा बहते रहती है, इसमें कब जल सूखता नहीं है और पहाड़ से इसका कोई लगाव नहीं है। ये भूमि से निकली है लक्ष्मण जी के बाण से और वहीं से चल दी है। आइए एक और व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई। ये हैं श्री कमलेश्वर प्रसाद जी। कहाँ घर हुआ आपका? खनसामा टोला हथुआ, हथुआ खनसामा टोला के निवासी हैं। आज यह नदी पूर्ण रूप से सिमट करके एक नाले में तब्दील हो गई है, यह नदी एक नाला का रूप पकड़ चुकी है। आप भी सुना होंगे कि यह नदी बहुत चौड़ी थी, बड़ा पवित्र जल था इसका, इसके जल में लोग स्नान करते थे, बड़ी दूर दूर के लोग इसमें स्नान के लिए आते थे। किसको दोषी मानते हैं इस नदी की आज इस दुर्दशा के लिए आप? मैं इसके लिए जितने लोग हैं वाला अतिक्रमण कर लिए हैं और इसमें बहुत सारे जो है वाला मिल का भी पानी वाला दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। आसपास के जो जितने ग्रामीण पर कुछ लोग इसको अतिक्रमण कर लिए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत से क्षेत्र में इसको वाला इसके नदी जो पानी जो है सिमट गई है। क्या कारण है? लोग इसके किनारे सुन रहे हैं कि घर भी बना लिए हैं, कुछ लोग इसके ज़मीन पर खेती भी कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार वाला प्रशासन है, प्रशासन है, कुछ आम जनता भी है। चलिए, इनका भी कहना था कि प्रशासन इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार है, नदी की ज़मीन का जो अतिक्रमण किया गया है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है।